अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 AS 11 बात करता है इफेक्ट्स ऑफ फॉरेन रेट्स ऑफ एक्सचेंज, मतलब डॉलर पाउंड का रेट अप डाउन हो उसका इफेक्ट अपने अकाउंट्स में कैसे लेते हैं। ये तीन टॉपिक के बारे में बात करेगा, रिकॉर्डिंग ऑफ फॉरेन करेंसी, ट्रांजेक्शन ऑफ फॉरेन करेंसी या ट्रांजेक्शन ऑफ फॉरेन ऑपरेशंस, मतलब अगर इंडिया में कोई मशीन वशीन लाए तो उसको किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगा डॉलर पाउंड में हो, तो फॉरेन में अगर हम कोई ऑपरेशन करें फॉरेन में बिजनेस करें तो उसको कैसे रिकॉर्ड करें, और फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट मतलब शेयर मार्केट में अगर हम डील करें डॉलर पाउंड में तो उसमें कैसे सेल परचेज करें और कैसे उसको रिकॉर्ड करें। तो पहले आता फॉरेन करेंसी का मतलब क्या है, करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी, यानी डॉलर पाउंड यूरो येन को फॉरेन करेंसी बोलेंगे क्योंकि इंडियन करेंसी के अलावा हर करेंसी फॉरेन करेंसी। एक्सचेंज रेट मतलब रेट एट विच वन यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी कैन बी कन्वर्टेड टू इंडियन करेंसी, किस रेट पे अगर एक डॉलर है उसको इक्वल टू इंडियन रुपीज कितना होगा, जैसे आज की डेट में 83.25 समथिंग हो रहा है, लेट्स से 83, तो एक डॉलर इक्वल टू 83 रुपीज में कन्वर्ट होगा, मतलब एक डॉलर को अगर हम दे बैंक को और वो हमको अगर इंडियन करेंसी दे तो 83 रुपीज में देगा, 83 रुपीज में से लेगा और एक डॉलर देगा, और हम एक डॉलर दे तो वो हमको 83 रुपीज देगा। तो रेट एट विच वन यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी कैन बी कन्वर्टेड टू इंडियन करेंसी, जिसको बाइंग रेट या सेलिंग रेट बोलते हैं, यानी दो रेट होता है बाइंग रेट और सेलिंग रेट। बाइंग रेट वो रेट जिसपे RBI हमसे या बैंक हमसे बाई करेगा डॉलर, और सेलिंग वो रेट जिसपे वो हमको डॉलर देगा। सेलिंग रेट ऑलवेज बाइंग रेट से ज्यादा होगा, मतलब अभी तुम अगर एक डॉलर देने जाओ तो हो सकता हो तुमसे 83 रुपीज में लेगा, तुमको 83 रुपीज देगा, ये हो गया तुम्हारा सेलिंग रेट। लेकिन अगर यही तुम खरीदने जाओ बाइंग रेट, सॉरी मेरा गलती हुआ था, बाइंग रेट मतलब जिस रेट पे तुम खरीद रहे हो, और सेलिंग रेट पे मतलब जिस रेट पे तुम बैंक को डॉलर बेचोगे, तो बाइंग रेट होगा मान लो 83.25, तो तुम अगर डॉलर लेने जाओ तो तुमको 83.25 में मिलेगा, तुम बेचने जाओ तो 83 में बिकेगा, तो ये हुआ बाइंग रेट सेलिंग रेट। हम लोग मान रहे हैं इस चैप्टर में वन ही रेट गिवेन होगा, मतलब सिर्फ एक रेट ही पता होगा हमको, दोनों अलग अलग रेट पता नहीं होगा। ओपनिंग रेट किसको बोलते हैं, जो साल के बिगिनिंग में जो डॉलर पाउंड का रेट है, क्लोजिंग रेट साल के एंड में जो डॉलर पाउंड का रेट है, और एवरेज रेट सर रियल लाइफ में कैसे निकलता है, 365 दिन का डॉलर का अलग अलग रेट होगा, उसको डिवाइडेड बाय 365 कर लो तो एवरेज रेट आ गया ईयर का। लेकिन सर 365 रेट एग्जाम में देना पॉसिबल नहीं है, कोई नहीं तुमको ओपनिंग रेट देगा क्लोजिंग रेट देगा, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर लो तो ये भी तुम्हारा डॉलर का एवरेज रेट आ जाएगा। एक और टर्म होता है एक्चुअल रेट या स्पॉट रेट या ट्रांजेक्शन रेट या डेली रेट, मतलब आज के दिन डॉलर का रेट क्या रेट है, तुम अगर आज के दिन डॉलर देने जाओ या लेने जाओ तो क्या रेट पे चेंज होगा, रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, जिस दिन तुम ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो ये तो एक्चुअल रेट स्पॉट रेट या ट्रांजेक्शन रेट या डेली रेट। मॉनिटरी आइटम किसको बोलते हैं, एसेट एंड लाइबिलिटी विच आर फिक्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिसीवेबल और पेएबल इन फॉरेन करेंसी। मॉनिटरी आइटम उसको बोलते हैं वो एसेट या वो लाइबिलिटी जो हमको पे करना है वो लाइबिलिटी, और अगर हमको फॉरेन से डॉलर मिलना है तो एसेट, वो अगर फिक्स है कि कितना डॉलर मिलेगा आज के दिन, जैसे डेटर से फिक्स है हमको कितना पेमेंट लेना है, क्रेडिटर से फिक्स है हमको कितना पेमेंट देना है, लोन का फिक्स है हमको कितना वापस करना है, इन्वेस्टमेंट का फिक्स है हमको आज के दिन कितना मिलना है, कैश और बैंक का भी वैल्यू फिक्स होता है, ये हो गया मॉनिटरी आइटम। और नॉन मॉनिटरी आइटम नॉट फिक्स फ्रॉम रिसीवेबल और पेएबल पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे फिक्स एसेट अब बेचने जाओगे कितने में बिकेगा वो डिपेंड है मार्केट पे अलग अलग दिन का अलग अलग, स्टॉक बेचने जाओगे तो तुमको पता चलेगा आज के दिन कितना में बिकेगा। इन्वेस्टमेंट तुम डॉलर 1,00,000 का इन्वेस्टमेंट करके रखे हो लेकिन अगर उसको आज के दिन बेचने जाओगे तो डॉलर 1,00,000 मिलेगा कि डॉलर 1,05,000 की डॉलर 98,000, वो डिपेंड करता है उसका आज के दिन मार्केट वैल्यू कितना है। तो नॉन मॉनिटरी आइटम वो हुआ जिनका रिसीवेबल या पेएबल वैल्यू फिक्स नहीं है, और मॉनिटरी आइटम वो हुआ जिनका एसेट और लायबिलिटी वो जिनका रिसीवेबल और पेएबल वैल्यू फिक्स है। एक और टर्म आता है फॉरेन ऑपरेशंस। फॉरेन ऑपरेशन का मतलब ऑपरेशन या बिजनेस कैरिड आउटसाइड इंडिया, लाइक ब्रांच या सब्सिडियरी या एसोसिएट या ज्वाइंट वेंचर हम इंडिया के बाहर खोल के रखें। इसमें दो टाइप का अकाउंटिंग होता है, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, IFO और NIFO। इंटीग्रल मतलब हम अपने नाम से फॉरेन में ब्रांच बिजनेस खोल के रखे हैं,
सेम नेचर ऑफ बिजनेस इन फॉरेन. मतलब मेरा इंडिया में टाटा लिमिटेड है, अमेरिका में भी हम टाटा लिमिटेड, मेरा ही ऑपरेशन है, मेरा ही बिजनेस है वहां पे, वो मेरा ही ब्रांच, मेरा ही कंपनी के नाम से खुला हुआ है. और एक होता है विद अदर नेम, मेरा ब्रांच यहाँ टाटा इंडिया है, वहां पे हम मान लो किसी फॉरेन का कंपनी, मान लो टेस्ला के साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, तो वो हो गया निफो, नॉन इंटीग्रेटेड फॉरेन ऑपरेशन. अब आता है तीन पार्ट पढ़ना था कि फॉरेन करेंसी जब इंडिया में रिकॉर्ड करेंगे तो किस वैल्यू में रिकॉर्ड करेंगे. तो मॉनेटरी आइटम अगर है, मतलब जिसका पेएबल या रिसीवेबल वैल्यू आज के दिन फिक्स है, वो हो गया मॉनेटरी आइटम, उसको कैसे रिकॉर्डमेंट करेंगे. तो सेटलमेंट इन, अब इसमें भी दो टाइप का कहानी बना, वो एसेट एंड लाइबिलिटी का सेम ईयर में सेटलमेंट हो रहा है कि सेटलमेंट इन नेक्स्ट ईयर हो रहा है. मतलब सेम ईयर में ही पेमेंट कर दे रहे हैं, डेटर को हमको देना है डॉलर एक लाख, हमको इस साल हम उसको माल बेचे थे और इसी साल हमको डॉलर एक लाख लेने हैं, सेम ईयर. जैसे क्रेडिटर हमको देना है, क्रेडिटर को हमको देना है डॉलर 80,000 और वो भी सेम ईयर में ही देना है, तो ये नहीं सेटलमेंट इन सेम ईयर. और ये डेटर अभी मान लो 28 फरवरी को और हमको पे करना है इसको नेक्स्ट ईयर, मतलब मार्च अप्रैल, अप्रैल मई जून जुलाई में कभी, मतलब मार्च के बाद, तो ये हो गया सेटलमेंट इन नेक्स्ट ईयर. तो अगर सेटलमेंट इन सेम ईयर है या सेटलमेंट इन नेक्स्ट ईयर है वो देखना पड़ेगा. तो अब देखो, जिस इनिशियल रिकॉग्निशन, जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ उस दिन जो डॉलर का रेट है उससे मल्टीप्लाई कर लो, और जिस दिन सेटलमेंट हो रहा है, मान लो हम डेटर को 15 अक्टूबर को माल बेचा, एक लाख डॉलर का माल बेचा, उस दिन डॉलर का रेट 82 है, उधार में बेचे तो हम 1,82,000 करके 82 लाख रुपीज का सेल अपने बुक्स में डाल देगा. अब मान लो पेमेंट, वो डेटर हमको पे कर रहा है मान लो 15 दिसंबर को, 2 महीना बाद, तो उस दिन सेटलमेंट हो रहा है, उस दिन का जो डेट ऑफ पेमेंट है उससे हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, मान लो डॉलर 15,000 1 जुलाई 2021 को हम सेल किया, एक्सपोर्ट किया डॉलर 15,000 का, हम माल बेचा इंडिया के बाद डॉलर 15,000, 1 जुलाई 2021 को उस दिन डॉलर का भाव 70 रुपये है, और सेटलमेंट हो रहा है 1 सितंबर 2021 को जिस दिन डॉलर का भाव 72, तो 1/7/2021 को हम क्या करेगा, फॉरेन करेंसी डेटर टू सेल्स, MFC डेटर टू सेल्स बोल क्या करेगा, 15,000 × 70 रुपये, 1 जुलाई को जो रेट है उस दिन सेल बुक कर लिया, 15,000 × 70 रुपये डेटर टू सेल्स कर लिया 1,05,000 का. अब पेमेंट का डेटा है 1 सितंबर, उस दिन डॉलर का भाव गया 72, तो डॉलर तो ऊपर भाग गया, तो मेरे को पैसा कितना मिलेगा बैंक अकाउंट में, 15,000 × 72 यानी बैंक अकाउंट डेबिट 1,08,000, मिलना कितना था 1,05,000, बाकी को हम बोलेगा 30,000 का, यानी 2 × 15,000 30,000 रुपया का हमको फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन में फायदा हो गया, हम प्रॉफिट बुक कर लिए, 2 PL नहीं लिख के 2 फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लिख लिया, और फिर इस फॉरेन एक्सचेंज को कहाँ भेज दिया, PL में, तो एक्सचेंज फ्लक्चुएशन टू PL 30,000 का हम प्रॉफिट बुक कर लिया. यही सर अगर मान लीजिए डॉलर का भाव उस दिन, डॉलर का भाव 1 सितंबर के दिन 68 हो जाता, तो तुमको हमको $2 per dollar नुकसान हो रहा होता, तो 15,000 × 30,000 का हम एंट्री क्या करता, बैंक अकाउंट डेबिट, मान लो उस दिन 1 सितंबर के दिन 68 हो जाता, तो हम बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 × 68 करता, बैंक में उतने रुपये आ रहे, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन बोल के 30,000 का बुकिंग करता 15,000 × 2 और 2 FC डेटर बोल के 1,05,000 लिखता. तो सीधा सा बात, अगर तुमको फायदा हो रहा है, डॉलर का वैल्यू बढ़ जा रहा है सेटलमेंट के दिन, तो तुम्हारा फायदा हो रहा है, तो 2 फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन या फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन करो और फिर उसको PL में भेज दो प्रॉफिट को. वैसे अगर डॉलर का भाव घट जा रहा है सेटलमेंट के दिन तो डेबिट कर लो. सर ये कौन सा केस पढ़ा रहे हैं, अगर सेम ईयर में सेटलमेंट हो जा रहा है, देख लो 1 जुलाई को माल बेचा था 1 सितंबर को सेटलमेंट हो गया, सेम ईयर में सेटलमेंट हो गया. लेकिन सर यही अगर मेरा फॉरेन एक्सचेंज सेटलमेंट नेक्स्ट ईयर होता, एक एग्जांपल लेते हैं, हम 1 फरवरी 2023 को माल बेचा $10,000 का, उस दिन डॉलर का भाव 70 रुपये है, और ये सेटलमेंट जाके 1 मई को हो रहा है नेक्स्ट ईयर, उसके बीच में 31 मार्च भी आ रहा है,
उस दिन जिस दिन सेटलमेंट हो रहा है उस दिन डॉलर का भाव 75 रुपया हो गया, लेकिन बैलेंस शीट डेट के दिन वो 72 रुपीज। तो तुमको बैलेंस शीट डेट के दिन डेटर को थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो सिंपल, पहले 1 फरवरी को जिस दिन माल बेचा, फॉरेन एक्सचेंज डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, $10,000, $1 का दाम 70 रुपया, तो मैं बुक कर लिया। तो जिस दिन ट्रांजेक्शन हो इनिशियल रिकॉग्निशन, जिस दिन ट्रांजेक्शन हो उस दिन जो डॉलर का भाव है। लेकिन अब बीच में आ गया 31 मार्च, 31 मार्च के दिन डॉलर का भाव चला गया 72, तो मेरे को पता ही है 70 से 72, 2 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है 31 मार्च के दिन। सर ये प्रॉफिट तो हुआ नहीं है, हो सकता है, हाँ कोई बात नहीं, इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो हम क्या रिकॉर्डिंग करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज डेटर अकाउंट डेबिट टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, 20,000 का $2 इंटू 10,000 करके बुकिंग कर लिया, और फिर उसको उस दिन पीएल में भी भेज देंगे। मतलब सर आप 31 मार्च को प्रॉफिट बुक कर लिए, हुआ या नहीं हुआ, हाँ बिल्कुल ये करना पड़ेगा। अब 1 मई के दिन क्या होगा, सर आपका डॉलर का भाव हो गया 75 रुपया, तो आपको बैंक अकाउंट में डेबिट आएगा 10,000 × 75। फॉरेन एक्सचेंज डेटर आपके बुक्स में आप 7,20,000 कर लियो, क्योंकि देखो जिस दिन सेल किए थे उस दिन 7 लाख बुक किए, और 20,000 31 मार्च के दिन बढ़ा लिए डेटर को, यानी तुम्हारे हिसाब से 7,20,000 मिलेगा डेटर से, तो डेटर को उतना से कैंसिल करोगे, बाकी 30,000 का प्रॉफिट बुक कर लो। तो एक एक्स्ट्रा एंट्री हो गया 31 मार्च के दिन, फॉरेन एक्सचेंज डेटर अकाउंट डेबिट टू फॉरेन करेंसी डेटर अकाउंट डेबिट टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, ये एक एक्स्ट्रा एंट्री हो गया, उस दिन पीएल भी बुक कर लिए। अब ये अब जिस दिन ट्रांजेक्शन हो उस दिन मेरे 31 मार्च के दिन डेटर का वैल्यू 7 लाख की जगह 7,20,000 हो गया, फिर से 30,000 का प्रॉफिट हुआ, तो 30,000 का प्रॉफिट बुक करेंगे, इसको भी पीएल में भेज देंगे, तो एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू पीएल कर देंगे, फिर 30,000 सर लॉस हो जाता है इस दिन, तो लॉस बुक कर लेते। ये हुआ इन केस ऑफ मॉनिटरी ट्रांजेक्शन, मतलब जिनका कितना डॉलर मिलना है या देना है वो फिक्स है, लेकिन अगर सर नॉन मॉनिटरी आइटम है तो जिस दिन ट्रांजेक्शन डेट हुआ उस दिन रिकॉर्ड करेंगे। इन बैलेंस शीट ऑन बैलेंस शीट डेट रिकॉर्डेड एक्चुअल डोंट कन्वर्ट, तो यानी ये पहला एंट्री वही रहता, फॉरेन करेंसी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 31 मार्च के दिन बैलेंस शीट के दिन जो भी चेंजेस हो रहा था हमको उसको कुछ करने का जरूरत नहीं होता, क्योंकि हमको नहीं पता उसका कितना रियलाइज हो सकता है। नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन किसको बोलते हैं, जिसका आपको कितना रियलाइज हो सकता हो पता नहीं, कोई बात नहीं उसको रिकॉर्ड करते, उस दिन कोई कन्वर्जन नहीं करते, सिर्फ यही करते आप जिस दिन पेमेंट मिलता उस दिन देखते, पेमेंट वाला एंट्री उस दिन करते। तो देखा जाए तो तुम्हारे बुक्स में 3 एंट्री हो रहे हैं, पहला जिस दिन ट्रांजेक्शन हो रहा है उस दिन हो रहा है फॉरेन करेंसी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, उस दिन जो डॉलर का भाव है उससे मल्टीप्लाई कर दे रहे। अगर उसी साल सेटल हो जा रहा है तब तो बैंक अकाउंट डेबिट टू FC डेटर, और अगर उस दिन डॉलर का भाव बढ़ा हुआ है तो टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, उस दिन डॉलर का भाव घटा होता तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट हो जाता। लेकिन अगर बीच में 31 मार्च आ जा रहा है तो अगर उस दिन कोई प्रॉफिट लॉस हो रहा है तो बुक कर लेना चाहिए, FC डेटर अकाउंट डेबिट टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। अब तुम्हारे डेटर का नया वैल्यू 31 मार्च को चेंज हो गया, पुराना प्लस जितना चेंज हुआ, अब जिस दिन रियलाइज हो उस दिन उतना ही कैंसिल करो और बाकी का प्रॉफिट लॉस बुक करो। तो 3 एंट्री में स्टोरी हो रहा है। लेकिन अगर सर नॉन मॉनिटरी है तो जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ और जिस दिन सेटलमेंट हुआ उस दिन ही खाली एंट्री करेंगे, बीच में 31 मार्च को कोई एंट्री नहीं। एक टॉपिक आता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड टॉपिक था, हालांकि हम पहले इसको पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे अपने को 3 चीजें पढ़नी थी कि किस डेट पे रिकॉर्ड करें, ये टॉपिक खत्म, फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस का बात नेक्स्ट पे करेंगे, पहले फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट का बात कर रहे हैं। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सर आपको ना डॉलर देना है ना डॉलर लेना है, आप तो डॉलर पाउंड ऊपर नीचे हो रहा है शेयर मार्केट में, उसमें प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप का होता है, एक होता है हेजिंग और एक होता है स्पेकुलेटिव। हेजिंग क्या होता है ना, तुमको पता है तुमको 3 महीना बाद डॉलर पेमेंट करना है, तुम आज ही डॉलर बुक करके बैठ गए, तुमको पता है 3 महीना बाद डॉलर पेमेंट करना है, तुम फ्यूचर का लॉस या रिस्क को कवर अप कर रहे हो, फ्यूचर का लॉस या रिस्क को कवर अप कर रहे हो, इसको बोलते हैं हेजिंग। स्पेकुलेटिव क्या होता है, सर ना पेमेंट देना है ना लेना है, हमको तो लग रहा है डॉलर ऊपर जाएगा अभी खरीद के रख लो, आगे ऊपर जाएगा तब बेच देंगे तो प्रॉफिट कमा लेंगे,
मतलब हम डॉलर में एक टाइप का जुआ खेल रहे हैं, फाटका खेल रहे हैं, फाटका। तो हेजिंग हो गया, तुमको एक्चुअल में देना लेना है, और तुम फ्यूचर का रिस्क या लॉस को कवर कर रहे हो आज। तुमको लग रहा है आगे डॉलर का भाव और बढ़ेगा, हम आज ही बुक करके रख लेते हैं ताकि हमको आज ही के डेट पे फ्यूचर में वो डॉलर मिल जाए, ताकि उस दिन डॉलर का भाव बढ़े तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। सर घट गया तो उतना रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो देखो हेजिंग क्या होता है, एक्सपोर्ट, एक एग्जांपल ले रहे हैं, तुम एक्सपोर्ट किए हो डॉलर 10,000 का, 1 जून 2023 को उस दिन डॉलर का भाव 70 रुपये है। तुम्हारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तुम फॉरवर्ड रेट आज के दिन तेरे को बताया जा रहा है 68 है, और डेट ऑफ सेटलमेंट 1 सितंबर है, उस दिन डॉलर का एक्चुअल रेट 66 है। तुमको तीन भाव पता है, तुमको तीन भाव पता है जिस दिन डील कर रहे हो उस दिन का, आज ही जिस दिन डील कर रहे हो उसी दिन बता रहे तुमको 1 सितंबर का भाव हो कितना सकता है, और फिर एक्चुअली में 1 सितंबर का भाव हुआ कितना। तो तुम 70 डॉलर, तुम 10,000 यूनिट माल बेची हो, उस दिन तुमको पता है डॉलर का भाव 70 रुपये। जिस दिन तुम डॉलर बेचे हो, जिस दिन तुम माल बेची हो, उस दिन तुमको पता है डॉलर का भाव 70 रुपये। तुमको ये भी बताया कि 1 सितंबर के दिन हो सकता है 68, तो तुमको लग रहा है अरे भाव गिर जाएगा, आज ही डॉलर बेच लो ताकि मेरे को मेरा भाव मिले। तुमको लग रहा है ये और नीचे जाएगा, देखो गया भी, सेटलमेंट के दिन 66 रुपीज हो गया, तो तुमको टेंशन नहीं है। तुम 68 में बेच के बैठे हो, तुम 68 में बेच के बैठे हो, तुमको तुम्हारा 10 x 68 मिल जाए। तो इसका ट्रांजेक्शन बुक्स में रिकॉर्ड कैसे होता है, एग्जाम में ये सम्स आता है। 1 जून 2023 को क्या करेंगे सर, माल बेचिए, बेचने का एंट्री कीजिए, फॉरेन करेंसी डेटा अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000 × 70, ट्रांजेक्शन डेट के दिन 7 लाख रिकॉर्ड होगी। अब 1 जून को तुमको पता है ना, तुम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक कर लिए, हेजिंग का मतलब यही होता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आज ही बुक कर लिए, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल अकाउंट तुमको मिलेगा कितना, तुम तो बुक कर लिए कि 10,000 डॉलर आएगा 1 सितंबर को, वो हम 68 डॉलर करके बेच देंगे, तो तुमको 6,80,000 मिलेगा उस दिन, तो तुम डेबिट कर लिए, रिसीवेबल है। तुमको 2 रुपया का फायदा मिला पर डॉलर, 68 − 70, तो फॉरवर्ड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 20,000, और तुम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो पेबल 7 लाख रुपये, तुम उस दिन पेबल खड़ा हो गया तुम्हारा, तुमको देना पड़ेगा ना डॉलर तो आएगा जो, तो तुम्हारा आज के दिन जो तुम डेबिट किए वही तुम कैंसिल कर दो। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट जितना हमको मिलेगा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट जितना आज का दिन के भाव के हिसाब से डिस्काउंट हो रहा है, टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पेएबल जितना आज का भाव है। अब 1 सितंबर को क्या होगा, तुमको पहले 66 डॉलर करके मिलेगा, तुमको पहले 66 डॉलर करके मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट 6,60,000, एक्सचेंज फ्लक्चुएशन तुमको 70 में, तुम 70 का भाव था जिस दिन तुम ट्रांजेक्शन किया था, आज के दिन 66 का भाव है, 4 रुपये का लॉस, तो एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट 40,000, 240 डेटर 7 लाख, ये तुमको मिल गया। मिलते ही तुम क्या करोगे, सर जिसको देना उसको दे देंगे क्योंकि फॉरवर्ड बुकिंग में मेरा बात किया हुआ। तो देखो जो पेएबल तुम क्रेडिट किए थे, जो पेएबल तुम क्रेडिट किए थे वो डेबिट हो गया, 6,60,000 करके तुम पेमेंट कर दिए, 6,60,000 करके तुम पेमेंट कर दिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर, देखिए यहाँ पे दो एंट्री करना पड़ेगा 1 सितंबर के दिन, पहले आराम से समझना। 1 जून के दिन क्या करना पड़ा, सेल का एंट्री बुक किए, तुमको पता था 70 रुपया डॉलर दाम आज, लेकिन तुमको लग रहा था गिरेगा बुरी तरीके से, तुम 68 में बुक कर ले, तुम 2 रुपये का लॉस खाने को तैयार हो, जिस दिन डॉलर आएगा तुम 68 रुपीज डॉलर करके दे दोगे, सर 70 में आज उस दिन 68, 2 रुपये का नुकसान, हाँ ठीक है, तुमको लग रहा और बुरा नुकसान होगा, तो ठीक है यही बुकिंग कर लेते। तो तुम एससी डेटेड टू सेल्स बुक किए 70 डॉलर करके, 10,000 × 70, तुम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिए जून को ही, क्या बुकिंग किए कि तुमको मिलेगा 6,80, 7 लाख की जगह 6,80,000 मिलेगा, तो 20,000 रुपये का तुम फॉरवर्ड डिस्काउंट बुक कर लिए, लॉस बुक कर लिए। अब जिस दिन 1 सितंबर आएगा उस दिन पहले तो तुमको तो 66 × 10,000 करके पहले उठाना पड़ेगा, और जिस पार्टी से तुम एग्रीमेंट कर लिए थे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का उसको दे दो, यहाँ पे बैंक, बैंक मतलब
तो पहले तुमको मिलेगा 66 x 10,000 करके, तो बैंक अकाउंट डेबिट 6,60,000, मिलना था 7 लाख, मिल रहा 6,60,000, 40,000 का नुकसान, तो एक्सचेंज फ्लक्चुएशन बोल के डेबिट कर लिया। अब हाथों हाथ जो पेएबल तुमको देना है 7 लाख, तुम दे दो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो पेएबल क्रेडिट किए थे डेबिट कर लो, तुम्हारे बैंक में आ गया 6,60,000, तुम दे दो, सॉरी 6,60,000 गया, 40,000 का एक्सचेंज फ्लक्चुएशन भी एडजस्ट हुआ। मतलब ये जो बैंक और फॉरन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन डेबिट हुआ, ये जो बैंक और फॉरन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन डेबिट हुआ वो पूरा क्रेडिट हो गया उस पेएबल से एडजस्ट हो गया। तो ये 1 सितंबर को 2 एंट्री करोगे और तुमको वो लोग बैंक टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करके 6 लाख से ज्यादा दे देंगे। अब तुमको अल्टीमेट नुकसान कितना हुआ 20,000 का, उसको पीएल में भेज दोगे, बात खत्म। तो पहले एंट्री सेल का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, फिर वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुकिंग का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 6,80,000, फॉरवर्ड डिस्काउंट अकाउंट 20,000 डेबिट टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पेएबल 7 लाख। फिर ये पैसा मिलने का बैंक अकाउंट डेबिट 6,60,000, एक्सचेंज फ्लक्चुएशन 40,000 डेबिट टू फॉरेन करेंसी डेटर 7 लाख। फिर ये रुपया पेएबल जो डेबिट क्रेडिट करके बैठे थे एफसी पेएबल उसके अगेंस्ट में ये पेमेंट कर दिए, तुमको 66 डॉलर करके मिला, वो तुम बैंक को दे दो, तुमको बैंक अब 6,80,000 दे देगा तुम्हारा। तो बैंक टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल 6,80,000, अल्टीमेटली तुमको 20,000 का नुकसान हुआ, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या फॉरवर्ड डिस्काउंट बोल के 20,000 को पीएल में भेज, बात खत्म। आखिरी टॉपिक फॉरेन करेंसी ऑपरेशन। अगर मेरा फॉरेन में बिजनेस है सर तो क्या करेंगे, हम बोला था दो टाइप होता है ईफो और नीफो। ईफो मतलब इंटीग्रेटेड फॉरेन ऑपरेशन, नीफो मतलब नॉन इंटीग्रेटेड फॉरेन ऑपरेशन। ईफो का मतलब होता है कि तुम्हारा खुद का ही वहाँ पे बिजनेस है, तुम्हारा ही ब्रांच है, तुम्हारा ही डिपार्टमेंट है कोई, और नीफो मतलब तुम्हारा ब्रांच या डिपार्टमेंट नहीं है, तुम्हारे बिजनेस के नाम से वहाँ बिजनेस नहीं हो रहा। तो सर अगर मॉनिटरी ट्रांजेक्शन होगा कोई, तो जिस दिन क्लोजिंग डेट के दिन एट द ईयर एंड जो रेट है उस पर बुकिंग करेंगे। नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन होगा तो जिस दिन डेट ऑफ ट्रांजेक्शन है उस दिन बुकिंग करेंगे, और जो भी प्रॉफिट लॉस का आइटम होगा मतलब इंटरेस्ट प्रॉफिट वो सब वो एवरेज रेट पे बुकिंग करेंगे, एवरेज रेट या ट्रांजेक्शन रेट जो पता हो। तीन बात बोल रहा है, अगर मेरा खुद का ही बिजनेस है वहां पे वो, और मॉनिटरी ट्रांजेक्शन है जिसका मतलब पेएबल या रिसीवेबल का वैल्यू फिक्स है पता है, तो जिस दिन ईयर एंड का क्लोजिंग रेट है उस पर बुकिंग करेंगे। नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन है तो जिस दिन डेट ऑफ ट्रांजेक्शन है उस दिन का बुकिंग करेंगे, और अगर कोई प्रॉफिट लॉस हो रहा है तो या तो रेट ऑफ डेट ऑफ ट्रांजेक्शन का पता है तो उस दिन बुक कर लो, नहीं तो एवरेज रेट का बुक कर, और जो भी डिफरेंस आ रहा है उसको कहाँ भेज दो पीएल। और अगर सर नीफो है तो मॉनिटरी ट्रांजेक्शन है या नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन दोनों की क्लोजिंग रेट पे रिकॉर्ड करेंगे, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको डेट ऑफ ट्रांजेक्शन पे रिकॉर्ड करेंगे, और कोई भी कंटिंजेंट लाइबिलिटी मतलब कितना देना पड़ भी सकता है नहीं भी देना पड़ सकता ऐसा कोई लाइबिलिटी है जो डिपेंड करता है किसी और इवेंट के ऊपर वो क्लोजिंग रेट पे बुक करेंगे, जो भी डिफरेंस होगा उसको फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर, और जिस दिन वो ट्रांजेक्शन सेल हो जाएगा उस दिन उसका प्रॉफिट लॉस पीएल में भेज देंगे। मतलब यहां पे सीधा सीधी प्रॉफिट लॉस में भेज देंगे डिफरेंस को, यहां पहले उसको एफसीटीआर अकाउंट में डालेंगे ईच ईयर, और जिस दिन वो ट्रांजेक्शन पूरा सेटलमेंट हो जाएगा उस दिन उसको पीएल अकाउंट में डालेंगे। ये था तुम्हारा AS 11। अब हम लोग बात करेंगे AS 12 का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 बात करता है गवर्नमेंट ग्रांट का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 बात करता है गवर्नमेंट ग्रांट्स का। तुमको गवर्नमेंट की तरफ से जब कोई पैसा मिलता है कोई बेनिफिट मिलता है उसको कैसे रिकॉर्ड करें। पहले बात करें गवर्नमेंट का मतलब क्या बोला, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, कोई भी लोकल बॉडी यानी म्यूनसिपैलिटी, ग्राम पंचायत, सब गवर्नमेंट है तुम्हारे लिए। ग्रांट का मतलब क्या होता है, कोई भी गवर्नमेंट से असिस्टेंस मिल रहा है चाहे वो कैश में हो या काइंड में हो, तुम गवर्नमेंट का कोई नियम कंप्लाई कर रहे हो जिसके लिए गवर्नमेंट तुमको कुछ फायदा दे रहा है या कैश में या काइंड में, वो पास्ट भी हो सकता है फ्यूचर भी हो सकता है प्रेजेंट अभी दे रहे हैं पहले दे चुका है या फ्यूचर में देगा, वो ग्रांट जो तुमको कैश या काइंड में गवर्नमेंट दे रहा है दे चुका है या देने वाला है उनका रिकॉर्डिंग कैसे हो उसका बात। पहले बात तो गवर्नमेंट ग्रांट को दो ही कंडीशन में तुमको रिकॉर्ड करना चाहिए,
दो ही कंडीशन है जब गवर्नमेंट गार्ड को रिकॉर्ड करोगे, नहीं तो रिकॉर्ड नहीं करोगे। अगर रिजनेबली श्योर हो कि जो गवर्नमेंट का कंडीशन है वो तुम पूरा कर दोगे, मतलब जिस कंडीशन पे गवर्नमेंट तुमको पैसा देने वाला है वो कंडीशन अगर तुम फुलफिल करने की औकात रखते हो, श्योर हम कर देंगे, तब तो उसको बुक करो, नहीं तो मत करो। और अमाउंट में क्लियरिटी होना चाहिए, अमाउंट अगर अनक्लियर है तो रिकॉर्ड मत करो, अमाउंट अगर अनसर्टेन है तो रिकॉर्ड मत करो। अमाउंट श्योर हो और तुम गवर्नमेंट का कंडीशन पूरा कर दोगे तब तो रिकॉर्ड करो, नहीं तो मत करो। अब गवर्नमेंट ग्रांट चार टाइप का होता है, या तो तुमको गवर्नमेंट कोई फिक्स एसेट खरीदने के लिए पैसा दिए, या गवर्नमेंट तुम्हारे बिजनेस में एज ए कैपिटल एज ए प्रमोटर कंट्रीब्यूट किए, या गवर्नमेंट तुमको कोई डे टू डे खर्चा मेंटेन करने के लिए पैसा दिया रेवेन्यू, या गवर्नमेंट तुमको कोई नॉन मॉनिटरी यानी कोई एसेट वैसेट दे दिया कम दाम। तो पहला तीनों में पैसा इन्वॉल्व है, चौथे वाले में पैसा इन्वॉल्व नहीं। गवर्नमेंट तुमको फिक्स एसेट खरीदने के लिए पैसा दिया, गवर्नमेंट तुमको तुम्हारे एज ए कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, गवर्नमेंट तुमको डे टू डे खर्चा मेंटेन करने के लिए पैसा दे रहा है, या गवर्नमेंट तुमको कोई एसेट कम दाम में या फ्री में दे दिया। ग्रांट रिलेटेड टू फिक्स एसेट पहला वाला पढ़ रहे हैं, मतलब कोई फिक्स एसेट खरीदने के लिए गवर्नमेंट हमको ग्रांट किया। अब देखना पड़ेगा वो जो एसेट है जो हम खरीद रहे हैं वो डिप्रिसिएबल एसेट है कि नॉन डिप्रिसिएबल एसेट है। सर नॉन डिप्रिसिएबल एसेट मतलब हो गया लैंड बैंक, नॉन डिप्रिसिएबल एसेट हो गया कोई लैंड बैंक। तो सर ऐसा कुछ लैंड वगैरह अगर गवर्नमेंट खरीदने के लिए पैसा दिया है, और मॉन डिप्रिसिएबल एसेट मतलब बिल्डिंग फर्नीचर मशीन। तो सर इसमें भी दो मेथड है कैलकुलेट करने का, नेट मेथड या ग्रॉस मेथड। एग्जाम में प्रैक्टिकल पार्ट इसी से आता है, एक एग्जांपल ले रहे हैं तुमको समझ में आ जाएगा दोनों मेथड। पहले हम नेट मेथड का बात कर रहे हैं। फिक्स एसेट एक मान लो है 10 लाख का, जिसका सेल्वेज वैल्यू 1 लाख है। गवर्नमेंट मेरे को बोला है 2 साल के बाद वो हमको 2 लाख 3 लाख रुपया देगा। पहले एसेट ले लो, 2 साल यूज कर लो, तब तुमको ये पैसा देंगे, लगा दिया ना कंडीशन। और ग्रांट अगर तुम एसेट को 3 साल बिना रखे बेच दिया तो गवर्नमेंट तुमसे, सॉरी अगर एसेट को पूरा 10 साल यूज नहीं किया तुम तो गवर्नमेंट तुमसे ग्रांट का पैसा रिफंड भी ले ले। तो गवर्नमेंट तुमको बोला है एसेट है 10 लाख का ले लो, 2 साल तक यूज कर लो, फिर आना मेरे पास 3 लाख रुपए ले लेना। लेकिन अगर तुम एसेट को बीच में बेच दिया बिना पूरा यूज किए, एंडिंग तक यूज नहीं किया, तो भैया जी ये जो ग्रांट हम दिया वो वापस भी ले। इस क्वेश्चन में हुआ कि हम 3 साल बाद उस एसेट को बेच दिए तो हमको ग्रांट रिफंड करना पड़ेगा। तो चलो पहले देखो कैसे वैल्यू कैलकुलेशन होगा, फिर कैसे जनरल एंट्री पास होगा ईच ईयर में। सर ओरिजिनल कॉस्ट कितना था 10 लाख, सेल्वेज वैल्यू 1 लाख, तो एसेट का दाम कितना बचा 9 लाख। पहला 2 साल 9 लाख डिवाइडेड बाई 10 साल इंटू 2 साल, पहला 2 साल का डिप्री माइनस कर लो, 9 लाख पूरा लाइफ टाइम एसेट का वैल्यू है, 10 साल एसेट टिकेगा, 9 लाख डिवाइड बाई 10 साल 90,000 इंटू 2 1,80,000 का 2 साल का डिप्री हुआ माइनस कर लो। अब तुम्हारे बुक्स में उस एसेट का वैल्यू बचा है 7,20,000। अब गवर्नमेंट बोला चलो हम 3 लाख देते हैं तुम, तो तुम्हारे एसेट का दाम 3 लाख से कम हो जाएगा क्योंकि तुमको पैसा फ्री में मिल गया, तो एसेट का वैल्यू रिड्यूस कर दो 4,20,000। अब जो 4,20,000 बचा है तुम एसेट को और कितना साल यूज करने वाले थे, 2 साल बीत चुका और 8 साल, और 8 साल, तो 4,20,000 डिवाइडेड बाई 8 साल इंटू 3 साल कर लो, क्योंकि 3 साल बाद तुमको सम बोल रहा है, तुम 3 साल बाद तुमको पैसा रिफंड करना पड़ गया क्योंकि तुम 3 साल बाद एसेट को कहीं बेच दिए थे, तुम गवर्नमेंट का कोई कंडीशन तोड़ दिए थे तो गवर्नमेंट तुमसे 3 साल बाद रिफंड वापस ले लिया था। तो अगले 3 साल तो पहले डिप्री दो, तो 4,20,000 एसेट का वैल्यू है, 2 साल खत्म होने के बाद एसेट का वैल्यू 7,20,000 था, लेकिन 3 लाख गवर्नमेंट तुमको ग्रांट दिया है तो तुम्हारा बुक्स में उसका वैल्यू 4,20,000 है। 4,20,000 डिवाइडेड बाई 8 साल इंटू 3 साल, सर 1,57,500 मेरा डिप्री हुआ 3 साल का, माइनस किए तो आज के दिन वैल्यू बचा 262,500, 5 साल खत्म हो गया 262,500 बचा। अब सर पैसा रिफंड करना पड़ गया गवर्नमेंट का, तो एसेट का वैल्यू फिर से बढ़ा लो, तो 2,62,000 तुम्हारा आज के दिन वैल्यू है, 3 लाख दोबारा ऐड कर लो, एसेट का वैल्यू 5,62,000 हो गया 500। अब रिमेनिंग 5 साल उसका डिप्री ले लो, 5,62,500 डिवाइडेड बाई 5 साल कर लो, तो तुम्हारा एवरी ईयर का डिप्रिसिएशन आता जाएगा, रिमेनिंग ईयर के लिए इसको डिप्रिशिएट कर लो।
तो पहला साल क्या एंट्री पास होगा सर? एसेट खरीदे तो फिक्स एसेट टू बैंक 10 लाख। पहला दो साल डिप्री हुआ तो पहला दो साल एंट्री पास करेंगे डिप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट, डिप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट 90,000 90,000, और फिर डिप्री को पीएल में डालना है, मतलब पीएल टू डिप्रिसिएशन 90,000 90,000। सर थर्ड ईयर में गवर्नमेंट से पैसा मिला तो बैंक टू गवर्नमेंट ग्रांट पैसा मिला। अब अगले तीन साल डिप्री होगा, डिप्री टू फिक्स एसेट 50 to 500 50 to 500 50 to 500। फिर वही पीएल टू डिप्री तीन साल तक। सर पांचवां साल में जाके क्या हुआ? ग्रांट का पैसा वापस देना पड़ गया तो फिक्स एसेट का वैल्यू फिर से बढ़ा लेंगे, फिक्स एसेट टू गवर्नमेंट ग्रांट। एक मिनट, फिक्स एसेट टू गवर्नमेंट ग्रांट, और रिफंड कर रहे हैं पैसा तो गवर्नमेंट ग्रांट टू बैंक भी करेंगे, 3 लाख वापस कर दिए हम गवर्नमेंट को, और फिक्स एसेट टू गवर्नमेंट ग्रांट करके एसेट का वैल्यू बढ़ा लिए। अब अगले आने वाले सालों में डिप्री टू फिक्स एसेट चलता रहेगा। अच्छा ये नीचे एंट्री दिखा दिया गलती से, गवर्नमेंट ग्रांट टू बैंक, हाँ वही ऊपर जो बोल रहे थे। तो सर गवर्नमेंट ग्रांट टू बैंक करके पैसा वापस कर देंगे सिक्स्थ ईयर में, और फिक्स एसेट टू गवर्नमेंट ग्रांट करके एसेट का वैल्यू बढ़ा लेंगे। अब आने वाले सालों में डिप्री टू फिक्स एसेट चलता रहेगा। ये हुआ नेट एसेट मेथड। लेकिन कई कंपनी बोलता है नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे, मेरे को ग्रॉस एसेट मेथड करना है, यानी हमको थोड़ा थोड़ा पैसा डिफर करना है गवर्नमेंट ग्रांट का स्लोली स्लोली। हम एक बार में पूरा गवर्नमेंट ग्रांट को बुक भी नहीं करेंगे, कैंसिल भी नहीं करेंगे। तो इस मेथड में क्या किया सर? पहले तो देखो गवर्नमेंट ग्रांट का पैसा मिला तो बैंक टू गवर्नमेंट ग्रांट कर दिया 3 लाख। फिर ये गवर्नमेंट ग्रांट को कहां ट्रांसफर कर दिया? डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट, मतलब गवर्नमेंट ग्रांट टू डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट कर दिया। और फिर हर साल थोड़ा थोड़ा करके पीएल में भेजता है, डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट टू पीएल करता। तो ग्रॉस मेथड में ये तीन ही एंट्री से काम कर लिया कंपनी। देखो जैसे हम कैसे दिखा रहे हैं, पहला साल क्या हुआ बैलेंस शीट में दिखाया फिक्स एसेट 5 लाख। हम डिप्रिसिएशन नॉर्मल क्लेम कर लिया, हम डिप्रिसिएशन अपना नॉर्मल क्लेम कर लिया 5 लाख में से 50,000 गया। इधर हम क्या किया बैलेंस शीट में देखो, गवर्नमेंट ग्रांट बोल के 2 लाख लिखा और थोड़ा पीएल में भेजा 20,000। बोला था ना हर साल थोड़ा थोड़ा करके पीएल में भेजेंगे। तो ये सेकंड मेथड है। ग्रॉस मेथड में क्या कर रहा है? फिक्स एसेट पूरा लिख लिया, उसको नॉर्मल डिप्री कर रहा है। गवर्नमेंट ग्रांट मेरा एक लायबिलिटी है क्योंकि गवर्नमेंट हमको दिया उसी पर्पस के लिए यूज करना पड़ेगा, तो ये फंड है एक टाइप का। तो हम डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट बोल के 2 लाख लिखा, थोड़ा थोड़ा करके पीएल में हर साल भेजता रहा। तो देखो पीएल में इधर में बाई डिप्री दिखाया 2 डिप्री, और इधर में बाई डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट दिखाया 20,000। ये हर साल करता रहे। अब जिस साल रिफंड करना पड़ जाएगा उस साल डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट मेरे बुक्स में 2 साल यूज होने के बाद कितना बचा? 3 लाख था। मान लो 10,000 पहला साल यूज हो गया, पहला साल के बाद ही रिफंड करना पड़ गया, मेरे बुक्स में कितना वैल्यू बचा अभी डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट का? 180। तो डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू बैंक, रिफंड कर दो पूरा 2 लाख। हमको 2 लाख मिला गवर्नमेंट ग्रांट से, ये देखो डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट 2 लाख। हर साल थोड़ा थोड़ा पीएल में भेजना था, पीएल में भेजे। पहला साल के बाद ही क्या हुआ? हम गवर्नमेंट का कंडीशन तोड़ दिया, हमको पैसा वापस करना पड़ गया। तो हम क्या करेंगे? डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट जो क्रेडिट किए थे उसको डेबिट कर देंगे, 1,80,000 बैलेंस बचा है उसका, 20,000 तो यूज हो गया उससे। पीएल अकाउंट डेबिट किए 20,000 जितना यूज हो गया, और टू बैंक करके पूरा 2 लाख वापस कर दिए। तो ये था ग्रॉस मेथड। तो पहला कहानी खत्म सर, पहला कहानी क्या खत्म? एसेट खरीदने के लिए पैसा मिला। अब बाकी इजी है। अगर गवर्नमेंट एज ए कैपिटल मेरे बिजनेस में पैसा लगाए, गवर्नमेंट एज ए, अच्छा सॉरी एक चीज छूट गया सर, नॉन डिप्रिसिएबल एसेट का क्या होगा? आप डिप्रिसिएबल एसेट में तो बता दिए नेट एसेट मेथड और ग्रॉस एसेट मेथड, नॉन डिप्रिसिएबल एसेट में क्या होगा? तो तीन ही एंट्री का कहानी है, वही जो ऊपर अभी आप पढ़े हो। तो देखो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट जब पैसा मिला, गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व में उसको ट्रांसफर कर देंगे, और जिस साल रिफंड करेंगे उस साल कैपिटल रिजर्व टू बैंक। यानी अगर नॉन डेप्रिशिएट लैंड वैन खरीदने के लिए गवर्नमेंट से पैसा मिला है, तो जब मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट, उसको कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे, गवर्नमेंट ग्रांट टू कैपिटल रिजर्व, और जब रिफंड करना होगा तो कैपिटल रिजर्व टू बैंक एंट्री पास कर देंगे। वैसे ही सर गवर्नमेंट एज ए कैपिटल आपके बिजनेस में पैसा लगाया तब क्या होगा? गवर्नमेंट गिव्स मनी बिजनेस सेटअप के लिए, मतलब गवर्नमेंट भी ऐसे कैपिटल पैसा लगा रहे, तो पहले जब पैसा मिलेगा तो बैंक टू गवर्नमेंट ग्रांट,
वो गवर्नमेंट ग्रांट को कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे और जब रिफंड करना होगा तो कैपिटल रिजर्व टू बैंक, यानी सर नॉन डिप्रिसिएबल एसेट और कैपिटल के रूप में पैसा दे गवर्नमेंट, दोनों में सेम ट्रीटमेंट। तीसरा केस बनता है रेवेन्यू रिलेटेड ग्रांट, गवर्नमेंट मेरे को पीएल के लिए खर्चा दिया है, छोटा मोटा डे टू डे एक्सपेंडिचर के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए गवर्नमेंट मेरे को पैसा दे रहा है टू मैनेज रिकरिंग एक्सपेंस। तो इसका दो मेथड है शो करने का, एक है फिक्स बेस फंड बेस मेथड और एक है फ्लक्चुएटिंग मेथड, एक है फंड बेस मेथड एक है फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो जब पैसा मिला तो बैंक टू गवर्नमेंट ग्रांट, फिर गवर्नमेंट ग्रांट टू एक्सपेंसेस फंड, हम एक्सपेंसेस फंड में ट्रांसफर कर देगा उसको और फिर हर साल खर्चा करता रहेगा, एक्सपेंसेस टू कैश, एक्सपेंसेस टू कैश, एक्सपेंसेस टू कैश। और पीएल में ट्रांसफर करते हैं ना एक्सपेंडिचर को, बट यहाँ पीएल की जगह उस एक्सपेंसेस फंड अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस पर। नॉर्मली तुम्हारा खर्चा हो तो हम क्या करते हैं, एक्सपेंस टू कैश और फिर पीएल टू एक्सपेंस, यहाँ पीएल टू एक्सपेंस नहीं करके एक्सपेंसेस फंड टू एक्सपेंस। तो जब पैसा मिला तो बैंक टू गवर्नमेंट ग्रांट कर दिए, उस गवर्नमेंट ग्रांट को एक्सपेंस फंड अकाउंट में डाल दिए बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में, फिर उसमें से हर साल थोड़ा थोड़ा खर्चा करते रहे और उस लाइबिलिटी अकाउंट को कम करते रहे, मतलब एक्सपेंसेस फंड टू एक्सपेंस करते रहे। तो रेदर देन ट्रांसफरिंग एक्सपेंसेस टू पीएल, हम उसको एक्सपेंस फंड अकाउंट से एडजस्ट करते हैं। और यही अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड बोलता तो नॉन फंड बेस्ड जिसको बोलते हैं, सर जो ऊपर आप पढ़े थे ना डेफर वाला केस, यानी ग्रॉस मेथड, सेम टू सेम यहाँ पे काम करना। क्या करना है सर? सर पहले भाई फंड मिला तो बैंक टू गवर्नमेंट ग्रांट, फिर गवर्नमेंट ग्रांट को कहाँ डाल देंगे? सर यहाँ भी आप डेफर्ड अकाउंट में डाले थे, यहाँ भी आप डेफर्ड अकाउंट में डाल दीजिए, तो गवर्नमेंट ग्रांट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। आप हर साल थोड़ा थोड़ा खर्चे करते रहो, अब इस मेथड में एक्सपेंस को पीएल में डालते रहो और डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को भी पीएल में भेजते रहो, हर साल ये दो एंट्री बढ़ जाएगा, पीएल टू एक्सपेंस और फिर डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट टू पीएल। मतलब बैलेंस शीट में हम उसको डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट दिखाएगा, हर साल उसमें से थोड़ा थोड़ा पीएल में जाता रहेगा। वैसे पीएल में क्या हुआ, एक्सपेंस भी आ गया और इधर डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट चला गया, मतलब सेम डिटो ऊपर वाला मेथड। आखिरी टॉपिक सर, अगर गवर्नमेंट हमको कोई एसेट ही दे दे, नॉन मॉनिटरी ग्रांट दे, मतलब गवर्नमेंट हमको एसेट ही दे दे कम दाम में या फ्री में, सर आपको मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि एक 10 लाख का फिक्स एसेट है, गवर्नमेंट आपको 4 लाख में दे दिया, बोले 4 लाख दो और एसेट ले जाओ, 6 लाख रुपया देने की जरूरत नहीं, तो सर हम एंट्री करेंगे फिक्स एसेट टू बैंक 4 लाख, क्योंकि मेरा तो 4 ही लाख लगा और उसको हर साल डिप्री नॉर्मली करते रहेंगे। सर गवर्नमेंट फ्री में दिया तो देखो, फ्री में दे तो बैलेंस शीट में हमको फिक्स एसेट तो दिखाना पड़ेगा, बट सर 0 रुपया में मिला तो फिक्स एसेट कैसे दिखाएं, उसको 1 रुपया में दिखा दो, नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, क्योंकि तुमको बैलेंस शीट में कुछ तो ऐसे उसको फिर डिप्री मत करना, उसको ऐसे ही पड़ा रहने देना हमेशा के लिए फिक्स एसेट, जब खत्म हो एसेट तब वो 1 रुपया डिलीट कर दो, तब पीएल में भेज देना 1 रुपया। सर इस एएस के हिसाब से क्या बात है, डिस्क्लोजर अलग से दिखानी पड़ेगी आपको अपने अकाउंट्स में, आप कौन सा पॉलिसी या मेथड फॉलो कर रहे हो, कितना गवर्नमेंट ग्रांट मिला आपको, कैसे आपका वो खर्चा हुआ, कैसे खत्म हुआ, इसका पूरा ब्रेकअप ये जो ऊपर सब में सीखे हो वो पूरा ब्रेकअप शो होना चाहिए। तो ये थे दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 11 और AS 12।